Hi guys, today I'm going to unboxing a new brand phone of Vivo company. Let's start. Model name Vivo V20. जैसा कि आपने देखा है कि recently Vivo ने एक अपना model लॉन्च किया है Vivo V20, जो कि हमें आप देख रहे हैं ये मिल रहा है हमें 8128 में मिल रहा है। मज़ीद ये 256 में भी है, आई थिंक अवाइबल है इंटरनेशनल लेवल पर, आई थिंक पाकिस्तान में अभी नहीं आया। चलो ठीक है, हम इसके आपको कुछ फ्यूचर बनाते हैं। ये देखें आई ऑटो फोकस का इसका फ्यूचर है, उसके बाद 24 मेगापिक्सल का है इसका फ्रंट कैमरा है, उसके बाद अल्ट्रा सिलिक मैट ग्लास प्रोवाइड करता है और 24 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है नाइट मोड के साथ, और उसके बाद हमें स्नैपड्रैगन 720G का ये हमें प्रोसेसर बता देता है। चलें ठीक है, लेट स्टार्ट। हम आप इसे अनबॉक्स करके देखते हैं उन्होंने डिवाइस कैसी इसमें रखी है, कैसी लुक है। ये देखें हमने डिवाइस निकाल लिया बाहर, वाओ। ठीक है, ये ना देखें ब्रांडिंग चेक करें, इनकी ब्रांडिंग चेक करें। ठीक है, मोबाइल पर इन्होंने कैसी ब्रांडिंग की हुई है देखें, इसके देखें कितना अच्छा लुक दे रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ये उन्होंने हमें सामान दिया साथ, वाओ। ये सिम स्लॉट जैक इन निकालने के लिए देखा है, ये उन्होंने मालूमात दी है, वाओ अमेजिंग बात है कि ये स्पेशल पाकिस्तान के। देखें हम इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह भी उन्होंने उर्दू में दिया है, आई थिंक ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए बना है। और उसके अलावा ये देखें ये हमें केस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा है, आई थिंक सॉफ्ट बहुत है, इससे उम्मीद है कि हमारी मोबाइल की साइड पर स्क्रैच नहीं है। चलो हम डिवाइस की तरफ चलते हैं, इन चीज़ों को साइड पर रख के। तो ये उन्होंने हमें डिवाइस दिया, वाओ अमेजिंग, ये वाओ अमेजिंग, व्हाट अमेजिंग, बहुत ही अच्छी डिवाइस है यार, इसकी लुक चेक करें आप। ठीक है, हम इसे रिबूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसे हम साइड पर रखते हैं डिवाइस को अपने को। ठीक है ना, तो हम इसके चार्जर की अडाप्टर की बात कर रहे थे, ये हमें सी केबल प्रोवाइड करता है, ये जैसा देख रहे हैं अडाप्टर की केबल भी देखने से बहुत ही अच्छी मजबूत और पायदार हमें मालूम हो रही है। उसके अलावा हमें उन्होंने एक चार्जर दिया हुआ है जो कि फ्लैश चार्जर 2.0 का है, और देख लें इसके वोल्ट चेक करें, मैक्सिमम 33 वोल्ट का ये चार्जर है, लगता है ये बहुत ही आई थिंक मैंने सुना है, मज़ीद कह रहे हैं कि 1 आवर में बैटरी फुल चार्ज करता है। और उसके अलावा इन्होंने हमें एक हैंड फ्री भी दिया साथ, वाओ अमेजिंग, पहले तो किसी के साथ देते नहीं थे, अब दे दिए। मज़ीद ये देखें उनकी खुद वीवो की ब्रांडिंग हुई है इस पर। चलिए हम इन चीज़ों को साइड पर रख के और डिवाइस की तरफ जाते हैं। ये देखें हमें उन्होंने सेटअप दिया हुआ है, शुरू करें मतलब कि उर्दू में दिया हुआ है, हम इसकी अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश पाकिस्तान लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं इसे सेटिंग कर लूँ, मज़ीद आगे देखूँ। चलो ठीक है, मैं इसकी सेटिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। आफ्टर सेटअप तो हमारी डिवाइस बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें इसकी बैक साइड ही बहुत ग्लास में उन्होंने दी हुई है, चेक कर सकते हैं आप, जैसा कि आपको ये देखें बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। ये देखें कलर भी इसके वैसे चेंज किए हैं, बैक साइड पे वीवो वालों ने अपनी ब्रांडिंग भी की हुई है, वीवो लिखा हुआ है। तो हमें इनके कैमरे, इनका फ्लैश लाइट देखें बहुत ही अच्छा, और एक कैमरा फ्रंट पे जो मेन कैमरा वो देखें आप, बड़ा कैमरा है और दो साइड पर छोटे दिए हुए हैं कैमरे। उसके बाद हम इसकी फिंगरप्रिंट के बारे में बात करते हैं, तो ये देखें फिंगरप्रिंट भी बहुत फास्टली वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली है देखें। उसके बाद इसमें फेस लॉक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये देखें फेस लॉक भी टू मच फास्ट है देखें। उसके अलावा वीवो वाले ने इसमें और भी बहुत सारे फ्यूचर रखे हैं, जैसा कि इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कैमरे का रिजल्ट, ये देखें, ये देखें जूमिंग पर चेक करें इसका रिजल्ट, ये देखें। ठीक है, इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें पोर्ट्रेट मोड हमें मिलता है, बैक साइड देखें
बिल्कुल ब्लर कर देता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैंने कुछ पिक्चर क्लिक किए हैं, ये चेक करें, ये देखें, बिल्कुल क्वालिटी कम नहीं होती जूमिंग पर, ठीक है। उसके अलावा वीडियो भी रिकॉर्ड की है मैंने जूमिंग पर, चेक करें, देखें देखें कितना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कैमरे इसके बहुत ही अच्छे हैं। और आप फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, देखें फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट, देखें 2x तक हमें फ्रंट कैमरा जूम मिलता है, देखें बहुत ही अच्छा है। फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी ऑसम डिवाइस में। इसमें और भी बहुत सारे फ्यूचर हैं, इसका अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है, देखें अल्ट्रा गेमिंग मोड है इसमें, और भी जैसा कि मेरे देखने में बहुत ही अच्छी डिवाइस है। मैंने ख़ुद ये अपने यूज़ के लिए इसे बाय किया। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यही मोबाइल बाय करें अगर आप 50 से प्लस बाय करना चाहते हैं, ठीक है। ये इसकी कीमत तकरीबन 60 से कम है, लेकिन 50 से अबव है। जैसे कि वी सीरीज़ के जो ओप्पो लॉन्च करता है दरअसल मोबाइल, उनकी सब की 50 से प्राइस प्लस हो जाती है। जैसा कि ये हाँ देखें, हम बैक साइड पे हाथों के स्क्रैचेस वगैरह जो लग जाते हैं, तो ये भी बहुत ही, देखें एक बार दो बार ऐसे करने से रिमूव हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छी डिवाइस है। मैं भी आपको यही कहूँगा ये डिवाइस आप बाय करें। तो ऐसे और रिव्यू देखने के लिए काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट रिव्यू हासिल कर सको। थैंक्स।